हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिनका यूज़ करने से, ज़्यादा यूज़ करने से या कम भी यूज़ करने से हमारे हार्ट पे बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे हार्ट पे बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप भी इन सभी में से किसी भी फूड आइटम्स का यूज़ करते हों या कर रहे हैं तो आज से इन सभी चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ना तो आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। ये बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो सातों दिन और पूरे 24 आवर्स वर्क करता है। तो ये जब 24 आवर्स वर्क कर रहा है, इसे हेल्दी रखना, इसको ऐसे न्यूट्रिशन देना जो इसके लिए अच्छे हो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर एक बार हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करता है, अपने साथ साथ और भी बहुत सारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें डैमेज करने लगता है, या बॉडी में और भी ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो बॉडी का मेन ऑर्गन है उसे हेल्थी रखना, दिस इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम अपने हार्ट को कैसे हेल्थी रख सकते हैं, हम अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं, जितने भी बैड फूड आइटम्स हैं उनसे दूरी बना लीजिए। आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा या आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है ऑलिव ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ करने से इसका बैड इफ़ेक्ट हमारे हार्ट पे पड़ता है। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड और भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन बार। अगर आप प्रोटीन बार ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। जब ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, और मे भी वो प्रोटीन बार आपकी बॉडी के लिए, स्पेशली आपके हार्ट के लिए हार्मफुल हो। ज़्यादा ऑयली होगा या फिर उसके अंदर ज़्यादा कोई ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो हमारे हार्ट पे बहुत ही बैड इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ड्राई फ्रूट्स। दो ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर मतलब ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है, और अगर हम उन्हें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे हार्ट पे बैड इफेक्ट शो करते हैं, और वो है, एक है आलमंड और एक है वॉलनट। अखरोट और बादाम, ये दोनों चीज़ें अगर आप भिगोकर नहीं खा रहे या भिगोकर खा रहे हैं फिर भी आप ज़्यादा खा रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है इन दोनों चीज़ों को एक अमाउंट में खाइए, एक लिमिट में खाइए, ताकि आपके हार्ट पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट इज़ वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट कोको पाउडर से बनता है। कोको पाउडर का अमाउंट डार्क चॉकलेट में सबसे ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे केमिकल या कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंदर मिक्स की जाती हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड होता है। तो अगर आप भी डार्क चॉकलेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या तब भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसे ज़्यादा यूज़ करिए या कम यूज़ करिए, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कोको का जो पाउडर है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा, और वो कोको पाउडर आपके हार्ट के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट इज़ वो है वेजिटेबल ऑयल। कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, चाहे कोई अदर भी ऑयल, जो मतलब कोई भी ऑयल जो भी मिलता है, तो अगर आप इनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली वाली सब्ज़ी बनाकर खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और आप सभी को पता है कि अगर हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई तो वहाँ से ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगा, ना तो वहाँ से किसी भी चीज़ की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और अगर कोई भी चीज़ हमारे हार्ट में एक मिनट के लिए भी नहीं पहुँचता है तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है। नेक्स्ट जो है वो है चीज़। अगर आप चीज़ का भी यूज़ करते हैं तो चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है या चीज़ में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कैलोरी आपके वेट को इंक्रीज़ करेगी। जब आपका वेट इंक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है।
नेक्स्ट है वो है बेकरी फूड। जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं वो सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैदे से बनी हुई होती हैं, और मैदे को हमारी बॉडी स्पेशली आपका स्टमक उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जब हमारा स्टमक उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा, बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा, और सबसे पहले जो हमारा मेन ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट, हमारे हार्ट को ही डैमेज कर देगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, मे भी हमारे हार्ट में होल भी हो सकता है। तो मतलब ये कुछ ऐसे कॉमन फूड आइटम्स थे जो हम अपने डेली लाइफ स्टाइल में इनका यूज़ करते हैं, और इनका ज़्यादा यूज़ करने से हमारे हार्ट पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप भी इन सभी से कोई भी फूड आइटम्स अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं तो आज से इन्हें खाना छोड़ दीजिए, वरना आपके जल्दी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, अपनी होल बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हेल्दी फूड होते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेल्थी रख सके, खुद को डिजीज़ फ्री रख सके और खुद को फिट एंड फाइन रख सके। तो फिट एंड फाइन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिर्फ और सिर्फ अपने खान पीन पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।